जेपी पीना थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन, पुलिस ने हटाया प्रदर्शनकारियों का टेंट, किसानों ने की जमकर नारेबाजी। दरअसल जेपी पीना थर्मल पावर प्लांट के आसपास बड़ी संख्या में किसान स्थानीय रोजगार से लेकर 27 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब एक वर्ष से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन और जेपी प्रबंधन की मध्यस्थता के बाद भी किसानों की मांगे आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते आज फिर भाजपा किसान मोर्चा उपाध्यक्ष राजा भाई दांगी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने जेपी पीना थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया, जहां पर पुलिस ने धरना प्रदर्शन के लिए लगाए गए टेंट को हटा दिया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और जमकर जेपी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर एडिशनल एसपी संजीव भुई के, अपर कलेक्टर एसडीओपी प्रशांत सुमन एवं जेपी प्रबंधन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर धरने को समाप्त कराया। किसानों का कहना है कि अगर इस बार मांगों को नहीं माना गया तो प्रदर्शन नहीं, जेपी में अपनी जमीन पर जुताई करेंगे। आज हम लोगों का प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन था और जमीन की जुताई का भी था। चूंकि पिछली बार भी पानी गिर गया था और इस बार भी पानी गिर गया तो खेतों में जमीन की जुताई नहीं कर पाए। एडिशनल एसपी साहब आए और एडीएम मैडम भी आई और एसडीएम माने एडीएम मैडम भी आई और सब एसडीओपी साहब भी आए और कंपनी के अधिकारी जनरल साहब अशोक शर्मा और पांड्या जी जी सब लोग आए, कर्नल साहब, उनके सामने बैठकर यहां पर हम लोगों का ये निर्णय हुआ है कि उनने मांगे हमारी मान ली हैं। 25 तारीख को एडीएम साहब मैडम और अपने एडिशनल एसपी साहब आएंगे और बीना में तहसील में अपने एसडीएम के ऑफिस में, एसडीएम कार्यालय जो है बैठक रूम है उसमें वो बैठक लेंगे, वो वहाँ पर कागज़ जमा होंगे और वो अपने 140 लोग लगाएंगे। जो हुआ है और हमने उनसे एडिशनल एसपी और अपने एडीएम साहब से बोल दिया है, अगर 25 तारीख को हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, ऐसे आश्वासन हम कई बार वो दे चुके अधिकारी लोग, तो अब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अब धरना नहीं होगा, सीधी खेतों में जुताई होगी। जो किसानों की जमीन खाली पड़ी है उसकी हम लोग जुताई करेंगे उसके बाद। क्योंकि उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया, कंपनी वालों ने और शासन प्रशासन ने, कि 25 तारीख को आप कागज जमा कराइए, मैं खुद बैठ के आपके माने यहाँ के जो क्षेत्र के किसान हैं जिनकी जमीनें गई उनकी मैं नौकरी लगाऊंगा। लेकिन जेपी प्लांट में आज जो है मजदूर संघ के तरफ से जो है धरना प्रदर्शन रखा गया था, उनकी मांग थी कि जिन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ है नौकरी नहीं मिली है, करीब 140 लोग हैं ऐसे, तो वो जेपी प्लांट वालों से भी बात की और उन्होंने बोला कि गरीब किसान को लेकर के और आपसी सहमति को लेकर के जो परिवार के सभी सदस्यों को नौकरी नहीं दी जा सकती, तो आपसी सहमति से जो है अगर वो सहमति पत्र बना करके देते हैं तो उनका हम 25 तारीख को कैंप लगाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और उसके बाद जो है पहली प्राथमिकता ये होगी कि ये जो प्रभावित 140 किसान हैं इनके परिवार के सदस्यों को रोजगार मिले।